नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चाइनीज लहसुन की तस्करी का मामला लखनऊ से सामने आया है। नेपाल बॉर्डर से हो रही है तस्करी, सेहत के लिहाज से घातक है चाइनीज लहसुन। तो चाइनीज लहसुन की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां नेपाल बॉर्डर से लहसुन की तस्करी हो रही है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो चाइनीज लहसुन काफ़ी ज़्यादा घातक बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी बताया जा रहा है, जहां पर लहसुन की कीमत बाजार में 400 रुपये किलो है। सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहां पर ये लहसुन है, जो चाइनीज लहसुन मार्केट में बताया जा रहा है। नेपाल से सीधा सप्लाई की जा रही है इस लहसुन की, मुनाफे के लालच में नेपाल से व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है और 1400 बोरी चाइनीज लहसुन को भी नष्ट किया गया है। वहीं तस्कर नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन ला रहे हैं। कस्टम विभाग ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 1400 बोरी चाइनीज लहसुन को बरामद किया है। 1400 बोरी चाइनीज लहसुन को बरामद करने के बाद यहां पर नष्ट कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 1400 बोरी लहसुन को पकड़ा है और नेपाल से ये लाया जा रहा था। चाइनीज लहसुन है ये, जो लोगों की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, जिसको लेकर कस्टम विभाग ने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं। कमलेश कुमार, आखिर क्या है पूरा मामला? ये जो चाइनीज लहसुन पकड़ा गया है और कस्टम विभाग ने कार्रवाई की है, पूरा मामला क्या है? के पास जो कि चेकिंग की जा रही थी अधिकारी और पुलिस के द्वारा, जो कि वहाँ भारी मात्रा में लहसुन जो पकड़े गए हैं वो फर्जी तरीके से नकली लहसुन पकड़े गए हैं। ये लोग लहसुन की तस्करी करते थे, जो कि भारी मात्रा में बना के और बनाने के बाद जगह जगह पर सेल करते थे। उसकी जो पैसे की पैदावारी होती, जो पैसा पाते तो आपस में बंदर बांट करते थे। वही भी बता दें कि ये लोग काफी समय से ये सब काम, जो घिनौनी हरकत है, करते चले आ रहे हैं, लेकिन काफी समय से पकड़े नहीं जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो चेकिंग चलाई जा रही थी, चेकिंग के दौरान ये पता चला कि इतनी भारी संख्या में जो कि बोरी भर के जो लहसुन पकड़ी गई, ये किस तरह का है। जो उसे चेक किया गया तो नकली लहसुन बरामद किया है, जबकि पुलिस ने उसको ट्रक सहित उसके जो आरोपी चालक है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी जो सब्जी मंडी के जो सेल करने जा रहे थे लहसुन, उसको भी जो है अपने कब्जे में ले लिया गया है। अब देखते हैं ये है कि मुकदमा करके इन लोगों को कितनी कार्रवाई की जाती है। हालांकि प्रशासन भी इस पर पूरे नजर बनाए रखते हो कि इस तरह से जो लहसुन है, जो नकली लहसुन जो कि बाजार में कारोबारी की जा रही, जिस पर जो आदमी के जो भी सेवन करते हैं, जो खाते पीते हैं, उनके लिए शरीर के लिए बहुत ही बड़ा घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल कमलेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे संवाददाता मथुरा से मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक जी, आपसे जानकारी जानना चाहूंगा कि क्या मथुरा के बाजारों में भी चाइनीज लहसुन की बिक्री वहां पर हो रही है? क्या मथुरा में भी चाइनीज लहसुन देखा जा रहा है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दें कि मैं यहाँ लक्ष्मी नगर की मंडी है, ये काफी बड़ी मथुरा की मंडी है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ बहुत दुकानें, सैकड़ों दुकानें हैं। यहाँ पर जो है लहसुन देखा गया है, लेकिन अभी लहसुन की जो क्वालिटी है वो काफी यहाँ पर खराब अभी देखी जा रही है। और लहसुन यहाँ पर जो है 400 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन इस बात का भी कहना साफ तौर पर नहीं हो पा रहा है कि ये लहसुन जो है चाइनीज है या कहीं से तस्करी करके आ रहा है। लेकिन इस समय जो लहसुन की महंगाई है, मैं अपना कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लहसुन की जो जिस तरीके से कली होती है लहसुन की, वो बहुत ही एकदम छोटी है और ये 400 रुपए किलो है। और अभी मैं बात भी करूंगा जो दुकानदार हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, उनसे मैं बात भी करूंगा। बताइए क्या नाम है आपका? नाम महावीर सिंह है। महावीर सिंह जी, बताइए लहसुन ये कब से महंगा हुआ है और कितना रुपए में आ रहा है? आए वो भी 20-25 दिन आएगी, 20-25 दिन आएगी, 300 रुपए किलो को भी मान आ रहे हैं हम। 400 कितना रुपए बेच रहे हैं आप? 400 जी पुष्पेंद, मैं आपको बता दूं कि 400 रुपए किलो बेच रहे हैं, लेकिन क्वालिटी अभी इसकी बहुत ही घटिया,
दिखाई दे रही है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो नहीं बिल्कुल फारूक आप जो पूछ रहे हैं वो सभी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही निकल कर सामने आ रही है कि आखिर ये जो चाइनीज लहसुन है वो कौन लेकर आ रहा है बाजार में, आखिर कौन पहुंचा रहा है? फारूक सुन पा रहा जी? जी पुष्पेंद्र बिल्कुल, ये मंडी में लहसुन आ रहा है और पूरे ट्रक के ट्रक यहाँ पर लहसुन के आते हैं। जो मथुरा में मंडी है बहुत बड़ी, जहाँ पर ये प्याज लहसुन और सारी सब्जियां ये सब आती हैं, उसमें पुष्पेंद्र लहसुन आ रहा है, लेकिन लहसुन की बिल्कुल जो है क्वालिटी एकदम खराब है, घटिया है देखने लायक। और जिस तरीके से बड़ा और सफेद एकदम लहसुन आता था, आज उसकी जो है क्वालिटी बिल्कुल एकदम गिर गई है और महंगाई एकदम यानी 400 रुपए किलो के इसके रेट हैं। लेकिन साफ तौर पर अभी ये कहना नहीं हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है घटिया या तस्करी वाला लहसुन है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है जरूर कहीं ना कहीं बता रही है कि इसकी क्वालिटी जो है बहुत खराब और घटिया किस्म की है। जी पुष्पेंद्र, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल पाठक जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल यही जानना चाहूंगा कि अगर आज कस्टम विभाग की कार्रवाई ना होती तो ये 1400 बोरी जो चाइनीज लहसुन पकड़ा है शायद ये भी उनकी नजरों से बच जाता। आखिर ये नेपाल से जो भारत आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, जो वहां पर नाकाबंदी या कई तरह की जो भारत सरकार की गाइडलाइन होती है उनको साइड दरकिनार किया जा रहा है। देखिए पुष्पेन जी, आपको बता दें कि जो चाइनीज लहसुन है इसको लेकर के हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है यहाँ पर एक PIL भी हुआ है और हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने स्पष्ट कहा है कि जब लहसुन पर चाइनीज लहसुन पर 2012 को ही से ही बैन कर दिया गया है इंडिया में, तो आखिर ये लहसुन आ कैसे रहा है? वक्त बड़ा सवाल है कि इसमें जो एंट्री मारी है वो तस्करों की निमारी है जिनके तार जो है भारत उत्तर प्रदेश की मंडी से लेकर नेपाल तक जुड़े हुए हैं और ये बॉर्डर के जो है नेपाल बॉर्डर से ये जो है चाइनीज लाखुन जो है वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी आंखों में फूल झोंक करके ये तस्कर जो है मुनाफे के लिए चाइनीज लहसुन को जो है उत्तर प्रदेश की मंडी में धकेल रहे हैं, पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि पहले से ही स्पष्ट है कि जो चाइनीज लहसुन है ये किसी भी स्थिति में सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, जिसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जो बाजार भाव चल रहा है 400 रुपए पर किलो, तो इसको देखते हुए इन तस्करों ने एक बाजी मार दी है खासकर उत्तर प्रदेश में चाइनीज लहसुन को उतार करके खेत को ला कर। नहीं बिल्कुल पाठक जी, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह भी बन रहा है कि आज ही ये मामला प्रकाश में आया है, इससे पहले कितनी सप्लाई इस लहसुन की भारत के अंदर हो चुकी होगी, कितने बाजारों में आखिर पहुंच गया होगा और कितने लोगों के लिए ये घातक साबित हो सकता है? देखिए, ये जो महाराजगंज जनपद के नेपाल बॉर्डर पे माल बरामद हुआ है ये 15-20 दिन पुरानी कार्रवाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम मंडियों में चाइनीज लहसुन को देखा जा सकता है। चलिए, मैं आप तीनों के यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा, समय कम है और अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। वायरल वीडियो के अनुसार राजस्थान पुलिस की एक गाड़ी नेताओं के बेटों के एस्कोर्ट करती हुई नजर आई, साथ ही एक खुली जीप में 4 युवक बैठे दिखाई पड़े। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का बेटा है। इसके बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के पुत्र विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में राजस्थान पुलिस की एक गाड़ी नेताओं के बेटों को एस्कोर्ट करती हुई नजर आ रही है, साथ ही एक खुली जीप में 4 युवक बैठे दिखाई पढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का बेटा है। देखिए,
ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में कुछ कांग्रेस पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों का शुद्धिकरण किया है। आचार्य हाथोस धाम मंदिर के महंत भी हैं। उन्होंने हाल ही में हेरिटेज नगर निगम के महापौर कार्यालय का और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पार्षदों का गंगाजल और गोमूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया। यह वाक्य बुधवार को हुआ जब जयपुर हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने कार्यभार संभाला। तब महापौर कार्यालय में मौजूद महंत बालमुकुंद आचार्य ने शुद्धिकरण किया। अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए बीजेपी जोड़ तोड़ कोशिश कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यकों के भ्रम दूर करने में जी तोड़ कोशिश कर रही है। सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस मुद्दे पर मंत्री दानिश आजाद ने हमारे संवाददाता रमण मिश्रा से बात की। हमारे साथ बात करने के लिए योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद जी हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, ऐसे में यह लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। मंत्री जी, कैसे इस समय लोगों को जोड़ा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हमारे सदस्य जुड़े हैं और समाज की सेवा का जो भाव है, इसको जन जन तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है, इस पे हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी जो सदस्यता अभियान में हम जा रहे हैं घर घर, अलग अलग शहरों में, मोहल्ले में, और वहाँ ज़्यादा अपने जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हम लोगों को अवगत करा रहे हैं और उनको अपना सदस्य बना रहे हैं। आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ माना जाता है, झुकाव माना जाता है, ऐसे में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि आप अपने समाज, आपके समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से कितने स्तर पे जुड़ रहे हैं और इसका फायदा क्या होगा उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पे आज मुस्लिम समाज को भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी मोदी योगी सरकार ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। उनके तरक्की और तालीम के लिए ईमानदारी से काम किया। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार ने मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम किया है। और निश्चित तौर पर यही जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, मोदी योगी सरकार का काम है, इससे मुसलमानों के दिल में एक विश्वास पैदा हुआ है। समाजवादी पार्टी का तो इल्जाम रहा है कि जाति देखकर और धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं इस सरकार में, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसे में आप कैसे कैसे इस समाज में, इस सरकार में आप यादव मुस्लिम और हर समाज का काम विकास हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी, इसने हमेशा समाज को बांटने की नियत के साथ राजनीति की है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार अगर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है तो यकीनन ये सबको इसका स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छा किया है, और निश्चित तौर पर इन तमाम जो हमारे काम है उससे उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल पैदा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का ग्राफ कम हुआ, उसके बाद में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों की तैयारी एकदम से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट और कटहरी सीट पर ज़्यादा फोकस कर रही है, ऐसे में आपकी रणनीति क्या है, किन सीटों पर कैसे प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे, कैसे, क्योंकि माना जा रहा है कि 10 में से ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी माइंडेड सीटें मानी जाती हैं। जो 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, उन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये जनता की पार्टी है,
समाज की पार्टी है और समाज के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है, समाज के विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है और निश्चित तौर पर 10 विधानसभा सीटों पर हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। मिल्कीपुर में जीत के साथ ही आप अयोध्या में हार का जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं? देखिए, कोई सवाल जवाब का ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव है विकास का, विश्वास का, उन्नति का, तरक्की का, भाईचारे का और निश्चित तौर पर इन तमाम एजेंडे पे हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार खड़ी उतर रही है। सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फेवर में वोट दिया था, उनका भी बयान आया है कि सपा के कई विधायक सीधे अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में, ऐसा क्या माना जाए, क्या सपा में बहुत बड़ी फूट होने वाली है जल्द? देखिए, समाजवादी पार्टी में तो पहले ही सब कुछ ठीक नहीं है, हम ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे मंत्री दानिश आजादी जिनका साफ कहना है कि भाजपा इस बार 10 सीटों पर चुनाव जीत कर करारा जवाब समाजवादी पार्टी को देगी। कैमरामैन राहुल के साथ श्रवण मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने की खबर से राजनीतिक गलियारों की हवा तेज हो गई है। इसी मामले पर सुनवाई 30 सितंबर को कोर्ट में होनी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से हमारे संवाददाता रमन मिश्रा ने खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी साथ में हैं, उनसे हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। अजय राय जी, राहुल गांधी जी सांसद हैं, उसके बावजूद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें उनकी नागरिकता को चैलेंज किया गया है, क्या कहना है? ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये साजिश के तहत ये किया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब जो व्यक्ति अपने देश में पैदाइश है उनकी, यहाँ की उनके जन्म प्रमाण पत्र हैं, तो पूरी तरीके से ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। केंद्र सरकार से मांगा है जवाब उन्होंने, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार की क्या भूमिका? नहीं, केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, केंद्र सरकार दे, जो रिकॉर्ड लगा हुआ सब सांसद है एफिडेविट में लगा होगा, प्रमाण पत्र लगा होगा, उन जारी करके दे। खाने पीने की जो दुकानें हैं उस पर जो नेम प्लेट मालिक का नाम लिखने का जो आदेश भी जारी हुआ है, इसको लेकर अब सियासत गर्म है, कल मायावती ने भी इस पर राजनीति करने का इल्जाम लगाया, आपका क्या? ये पूरी तरीके से निरर्थक है, आम लोगों को परेशान करने के लिए ये नियम कानून बनाया जा रहा है और पूरी तरीके से इसको कानून को निरस्त करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पर भी जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी पोस्ट जारी करके ये कहा था कि ये नियम हिमाचल प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हिमाचल में लागू नहीं हुआ था, उन्होंने केवल सोशल मीडिया पर उसको लिखा था और वो पूरी तरीके से वहाँ कहीं पर भी कोई चीजें नहीं है, केवल भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कानपुर देहात में का एक मामला था जहाँ फैक्ट्री में 6 मजदूरों की आग लगने से मौत हो गई थी, उसके बाद में वहाँ के मंत्री राकेश सचान ने वहाँ पर जाके मुआवजा राशि दी थी, कुछ चेक दिए थे जिस पर आपने सवाल उठाए थे, दरअसल ये मामला क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो फैक्ट्री चल रही थी वो बिना एनओसी के चल रही थी, एनओसी भी नहीं था उसका फायर का, अभी आप देखिए कल यहाँ लखनऊ में इतनी बड़ी घटना घटी है फायर की, और वो मंत्री ने जो चेक बांटे हैं वो मिल मालिक के द्वारा दिया हुआ चेक मंत्री बांट रहा है, मिल मालिक जिसकी मिल में जले हैं वहां मजदूर गरीब लोग अनुसूचित जाति के 6 लोग, मिल मालिक ने चेक दिया और वो चेक को मंत्री बांट रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, इससे ये साबित होता है कि सरकार के संरक्षण में वो फैक्ट्री चल रही थी और उससे अवैध वसूली और उसे जो है पूरी तरीके से व्यवस्था में सरकार अपने ली रही थी और सब मंत्री उसमें शामिल है। ये अफजाल अंसारी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो गांजा की खेप है वो भेज देनी चाहिए, कुंभ में सब खत्म हो जाएगी, इस पर क्या कहें? देखिए, ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये निरर्थक बात है, साधु समाज सम्मान हम लोग सम्मान करते हैं और ये पूरी तरीके से गलत है। तो आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि जो भी ये नेम प्लेट का चाहे मामला हो और चाहे कानपुर देहात का मामला हो, जिसमें भी ये भाजपा की जो सरकार है, जो उसके नेता हैं और अधिकारी हैं, वो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सेसा टोला गांव से लापता अधेड़ का शव 7वें दिन मिला। शव जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रूप बांध गांव स्थित छेड़ नदी के किनारे से बरामद किया गया। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना पर जगदीशपुर थाना पुलिस घटना स्थल पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों ने जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदार के ही लोगों पर गला दबाकर मारपीट कर हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंके जाने का आरोप लगाया है।
मोबाइल को लेकर बच्चों में विवाद में महिला की लाठी डंडा ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडी स्थान स्थित उमेश नगर में मोबाइल को लेकर बच्चों में हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष लोगों ने दूसरे पक्ष की एक महिला की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ललितपुर के तहसील तालबेहट क्षेत्र के ग्राम पूरा कला की हरिजन बस्ती में डायरिया के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोग गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट में भर्ती हैं। उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या 50 के पार हो चुकी है। डॉक्टरों की टीम ने गांव में डेरा डाल रखा है। कुछ मरीजों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है और कई मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती है और उनका उपचार जारी है। मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा क्षेत्र के पेड़ापुर गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। डिप्टी सीएम ने ग्राम चौपाल और सहायता समूह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के गिड़गिड़ाने से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन का मजबूत होना गुंडे माफियाओं का मजबूत होना है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हमारे विजय रथ को नहीं रोक पाएगा। यूपी के महाराजगंज जिले से कुछ युवक युवतियों द्वारा सड़क पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। सड़क पर रील बनाने के चक्कर में काफी देर तक सड़क जाम भी हो गया। महाराजगंज पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सड़क पर रील बनाने वाले एक युवक सहित तीन युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आर्केस्ट्रा की कुछ लड़कियों के द्वारा सड़क पर डांस करने का मामला सामने आया था। इस मामले में अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की गई है। मृतका के परिजनों को मिला आपदा के तहत मुआवजा राशि। रोहतक जिले के कोचस प्रखंड के कटियार गांव में जितिया पर्व के दौरान तालाब में डूबने से 11 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में अचल अधिकारी द्वारा आपदा राहत कोष के तहत सहायता राशि सौंपी गई। इस दौरान मृतका के परिजन को 4,00,000 रुपए का चेक सौंपा गया। मौके पर प्रखंड विकास अधिकारी दीपचंद जोशी, अचल अधिकारी विनीत व्यास और कई कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाना इलाके के कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन ने मामले की जांच कर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के आरोप को गलत बताया गया था। पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता के द्वारा सपा नेता के आरोप पर वोटर लिस्ट दिखाकर कहा है समाजवादी पार्टी हारने के डर से इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। पूर्व विधायक के परिवार में किसी का कोई भी वोट नहीं काटा है और उनके गांव में एक व्यक्तियों के अलग अलग नाम से कई वोट बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हमारी सभी परियोजनाएं सुरक्षित परियोजनाएं हैं। प्रदेश में कहीं भी तटबंधों को कोई खतरा नहीं है। नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल में जब भारी बारिश होती है तो यहां बाढ़ की आशंका होती है। हमारी कुछ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन अब यह काम हो रही है। किसानों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जितनी परियोजनाएं हैं सब सुरक्षित परियोजनाएं हैं और कहीं तटबंध को कोई खतरा नहीं राज्य के अंदर।
जब नेपाल में और उत्तराखंड में हिमाचल में जबरदस्त बारिश होती है तो बाढ़ आने की संभावना होती है। अभी बीच में मैं खतरे, हमारी कुछ नदियां खतरे निशान के ऊपर पानी बह रहा था, लेकिन आज के डेट में मैं नीचे उतर रहा हूं, खतरे निशान से नीचे है, कुछ नदियां स्थिर हैं और बाकी लगभग गंगा जी में थोड़ा बलिया के अंदर ऐसे है, लेकिन फिर भी सभी अधिकारी तटबंध पर हैं लगे हुए और रात दिन मॉनिटरिंग भी हो रही है, लोग तटबंध पर ही हैं, किसी प्रकार का जनहानि ना हो। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम रहता है जब नदियां उतरती हैं तो कटान भी होता है कुछ नदियों में, तो उसकी भी तैयारी है कि किसी प्रकार का किसान का अत्यधिक नुकसान न हो, किसी का न जनहानि हो, तो इसकी संपूर्ण तैयारी हमारी चल रही है। हमारी जितनी फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।